तेजस्वी और करण का सॉन्ग भी आ रहा है अभी, आपने पोस्टर देखा होगा, बारिश आई है। हाँ, कैसा लगा पोस्टर? करण तो मेरा पुराना एक्टर है, इनफैक्ट मेरा शिष्य है, और अब तेजस्वी भी मेरे साथ जुड़ गई है, तो अब दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है और दोनों का तालमेल बहुत अच्छा है। जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा। वो सेट पर अक्सर आया करते हैं, देखने मिल सकते हैं। हाँ, चूंकि वो दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार है, दोनों आते हैं सेट पर, और मेरे सेट पर इसलिए भी आते हैं कि मेरे साथ करण थोड़ा ज्यादा खुला हुआ है, तो मेरे सेट पर उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगता। अगर शायद कोई दूसरा डायरेक्टर होता तो शायद करण नहीं आता, क्योंकि मेरे लिए मेरा बच्चा है तो आ जाता है, क्योंकि मेरे से बहुत जुड़ा हुआ। काफी तारीफ कर रहा था करण की, सर और आपके अच्छे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हम देखने नागिन में उन्हें एक एपिसोड में तो लाना चाहिए, कम से कम भी लगता है कि लाना चाहिए, कमाल हो जाता अगर उसको बीच में एंट्री देते ना कहीं पे, तो बहुत मजा आएगा। अभी भी है टाइम सर, अभी बहुत टाइम है, मुझे लगता है कि वो आए तो बहुत मजा आएगा, मुझे बहुत मजा आएगा, क्योंकि मुझे दोनों के साथ, करण के साथ जो मेरा रैपो है ना, एक ट्यूनिंग है, मेरे इशारे को वो समझता है। सर एक आखिरी सवाल, जैसे कि कोई भी एक शो आता है उसको ओटीटी में पुरानी स्टोरी बना के एक लाते हैं, क्या नागिन में भी आने वाले समय में ओटीटी में बेस रहेगा? जैसे कि बहुत सारे ओटीटी एप्लीकेशन है, हॉटस्टार हो गया, जैसे कि नागिन में बूट हो गया, पर ये हॉटस्टार पे जैसे पहले की स्टोरी हो गई उसको देखने में कुछ ऐसा मिल सकता आने वाले समय में? बेशक मिलेगा। देखो सब लोग कोशिश कर रहा है कि नागिन पे काम करें, अभी आप देखो दंगल पे भी एक नागिन आने लगा है, हाँ। तो कई जगह नागिन पे काम चल रहा है, और मैंने मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो अपना मानना है कि नागिन में लोगों को जो पुरानी नागिन की स्टोरी है ना वो चाहिए। आप एक्सपेरिमेंट चाहे कितना भी करो, लेकिन उसके साथ पुरानी नागिन क्या है, दो मोहब्बत करने वाले, उनको किसी ने परेशान किया और उससे वो बदला लेती है, तो बदला जो है नागिन का जो बदला है अन्याय के खिलाफ, कि वो न्याय की देवी है, वो न्याय करती है, और जो लोग अन्याय करते हैं उससे बदला लेती है, तो मुझे लगता है ये हमेशा हिट है, कभी फ्लॉप नहीं होता। सर एक आखिरी सवाल, जैसे कि आप लोगों ने दिखाया था अर्जुन और मोनी का रोमांस दिखाया था, सुरभि और पर्ल का रोमांस दिखाया था, विजेंद्र और रश्मि का रोमांस दिखाया है आपने, जैस्मिन का दिखाया है रोमांस, तो अभी हम तक सिम्बा तेजस्वी या करण कुंद्रा उसमें आ जाए, ऐसा कुछ दिख सकता है? रोमांस बिल्कुल आएगा, रोमांस तो आएगा ही आएगा, और अभी बीच में भी हमने थोड़े दिन रखा था, अभी हॉट नहीं था ना, हॉट नहीं था, लेकिन अभी बीच में क्योंकि हमारा ट्रैक ना थोड़ा देशभक्ति से हमने शुरुआत की थी ना, तो इस वजह से वो ट्रैक थोड़ा खटक रहा था, मुझे लगता है एकता मैम डिसाइड करेगी, और अभी बहुत जल्दी ये जो अभी रिवेंज का जो चल रहा है, ये थोड़ा सा हमको सपोर्ट कर रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, तो मुझे लगता है कि इसके बाद वो रोमांस के बिना तो नागिन चलेगा ही नहीं, नागिन को रोमांस चाहिए ही चाहिए। मुझे बहुत मजा आता है शूट करने में, जब हम थोड़ा रोमांस करते हैं, थोड़ा हवा चलाते हैं, बारिश में शूट करते हैं, बिजली कड़काते हैं, तो मुझे बहुत मजा आता है। लास्ट दो अर्जुन का मैंने बहुत मजे से किया था, लास्ट दो एक में टीआरपी भी बहुत हिट, काफी ऊपर आई है, मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी थोड़ी कोशिश कर रहे हैं कि 2.5 मैम के साथ फोटो, मैम के साथ कर दे।